Hello guys, welcome to Study Zone Education, which is founded by respected Vikas sir, myself Jeetu Soni. Guys, आज हम इस वीडियो में एक मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. हम आपको बताएंगे सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे ये टॉपिक है सरलीकरण, वो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में दो या तीन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. और एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आप इसमें फंस गए तो आपके कम से कम 7 से 8 मिनट इसी टॉपिक में चले जाते हैं, जो कि एक आजकल के कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा समय लेगा, तो जिससे हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे. तो चलिए गाइस, इसके बारे में हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं. सबसे पहले गाइस, हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं. सिंप्लीफिकेशन जो प्रमुख प्रमुख तीन भागों में बटा होता है. सबसे पहला एलजेब्रिक फार्मूला, बोडमॉस और सीरीज. हम अभी इस वीडियो में एलजेब्रिक फार्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बाकी बोडमॉस और सीरीज इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सबसे पहले एल्जेब्रिक फार्मूला बेस्ड जो सिंप्लीफिकेशन है, वो कुछ फार्मूला होते हैं जो हमने बचपन में याद किए होंगे, बस उन्हीं के बेस पर ये पूरे पूरे सॉल्व हो जाते हैं. जैसे गाइस, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² b² ये होता है. तो ऐसा क्यों होता है ये हम सभी जानते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. तो गाइस, ये बचपन में हमने पढ़ा था, ये होता है a² + b² + 2ab, ये इस तरीके से होता है. इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² - 2ab. तो ये होता है a - b का होल स्क्वायर, और अभी जो हमने बताया वो होता है a + b का होल स्क्वायर. इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इसका इतना आता है बराबर में 2a² + b², ये मैंने नीचे सॉल्व किया है, आप इसको देख सकते हैं. तो गाइस, यहाँ पे ये जो हमारा 2 इसी साइड रहेगा, ये है, ये इसके नीचे आ जाएगा, और जैसे ये नीचे आता है तो हमारा एक फार्मूला ये बन के तैयार हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर / a² + b² = 2. ये हमारे कैसा हुआ जोड़ने पर हुआ. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट आएगा, सिर्फ इतनी ही कंडीशन आएगी और आपको आंसर देना होगा. ए की जगह पे वो कुछ भी लिख सकते हैं, बी की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर बताना होगा. तो यदि हम इस पूरे फॉर्मूले से इसे सॉल्व आउट करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारे 5 से 7 मिनट चले जाएंगे. तो इसलिए समय बचाने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है समय बचाना कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, इसलिए हम सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करके कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी संख्या हो, ए की जगह बी की जगह, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी हो, चाहे कितनी छोटी छोटी, यदि ऐसी कंडीशन होती है तो हमेशा उसका आंसर 2 ही आएगा. मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बता दिया, तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा. चलिए ऐसे ही हम a + b² - अब इसको हम घटाने पर देखते हैं. तो जैसा हमने जोड़ने पर देखा 2 आया, ऐसे घटाने पर ये सॉल्व आउट किया हमने तो कितना आया, 4 आया. सॉल्व करने पर कितना आया आंसर, 4 आया. तो गाइस, a + b का होल स्क्वायर - a - b का स्क्वायर / ab = 4 आता है. तो चलिए इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं. ये माइनस वाले का एक हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में 537 + 463 का वर्ग ऋण 15, ये 500 है, 537 है, मिस्टेक हो गया, 537 ऋण 463 का स्क्वायर, और इसके अपॉन में आया है 537 * 463 बराबर कितना. तो यदि हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, इसलिए इसे सॉल्व इस पूरे की जगह पे, इसकी सिचुएशन इस ये बिल्कुल ये
इस फॉर्मूला में रख दो ए और वी का मान, ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए इंटू वी, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा कितना आ सकता है, फोर आंसर आ सकता है। कितना आ सकता है गाइस, इसका आंसर फोर आ सकता है। ओके गाइस, समझ में आया आपको, समझ में आया। चलिए अब हम इसका दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्लस वाला है, एट फोर सेवन 847 प्लस 242 का वर्ग धन 847 ऋण 242 का वर्ग और अपॉन में 847 वर्ग धन 242 का वर्ग बराबर कितना होगा। तो यदि हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में रखकर, और हमने देखा है प्लस वाला फॉर्मूला था इसलिए इसका आंसर दो आएगा। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताया आपको इसका आंसर कितना आएगा, दो ही आएगा। गाइस आपको सिंपल सी छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस में आंसर हमेशा छोटा आएगा, और यदि अभी हमने जो पीछे देखा कि माइनस था यहाँ पे, गाइस कितना था, माइनस था, तो माइनस था तो माइनस रहता है तो आंसर बड़ा आएगा, बस इतना याद रखना। यदि प्लस रहेगा तो आंसर छोटा आएगा और माइनस रहेगा तो आंसर कैसा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। एक ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा या फिर आपको लर्न होगा ही। इसके बाद आप देखिए इसी के फॉर्मूले में हमने इसको इसके नीचे भिजा दिया और अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया। एक ये वाली कंडीशन बन गई, आप अच्छे से देख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा ए प्लस बी। मतलब कहीं भी यदि ये आपको क्वेश्चन में देते हैं ए और बी का मान कुछ भी देते हैं तो आपको डायरेक्ट ए प्लस बी आप कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। इसी तरीके से ये हमारा प्लस वाला था, अब यहाँ माइनस वाला देखते हैं कि यदि ये वाली सिचुएशन कहीं भी आ रही है ये वाली, तो आप उसमें ए और बी की वैल्यू पुट करके इतना लंबा सॉल्व ना करके डायरेक्ट ए माइनस बी कर सकते हैं। ओके गाइस, अभी आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। ओके गाइस, याद रखना है ऊपर प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस आएगा और ऊपर माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, बस। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे ए प्लस बी का क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी, दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए। मतलब यदि कोई भी प्रश्न में इस तरीके से व्यवस्था बनी है तो उसका आंसर डायरेक्टली 2a हो जाएगा। ठीक है गाइस, उसका आंसर डायरेक्टली 2a हो जाएगा। इसी प्रकार इसको घटाने पर, अभी हमने जोड़ने पर देखा, आगे अभी हमने क्या देखा, जोड़ने पर देखा 2a आया, और सेम इन्हीं फॉर्मूला को यदि हम फॉर्मूलाज को यदि हम माइनस करते हैं तो 2b आता है, प्लस करने पर 2a आया इतने के, और यदि माइनस किया तो इतने के बराबर 2b आ गया हमारा। ठीक है, आ रहा है गाइस समझ में, आपको समझना है तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए, और यदि आपको फिर भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार अच्छी तरीके से समझा दूंगी। बाकी आप मुझे आशा है कि यदि दोबारा से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और माइंड सेट हो जाएगा। ओके गाइस, अब देखिए इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं 23 into 23 प्लस 17 into 17 अपॉन 23 into 23 माइनस 23 into 17 प्लस 17 into 17 इज इक्वल टू व्हाट। तो गाइस डायरेक्टली 23 का हम क्यूब कर सकते हैं और 70 का भी हम क्यूब कर सकते हैं, अपॉन नीचे जो हमारी कंडीशन हो रही है वो क्या हो रही है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि इसके बराबर ए प्लस बी होता है, हमने आगे आपको सॉल्व करके बताया था कि इसको ए प्लस बी होता है। तो गाइस ए प्लस बी हो गया। इसी तरीके से 23 का क्यूब, इसमें ए और बी का मान सेम रखने पर अब हम इतना सॉल्व बना करके डायरेक्ट इसकी जगह पे ए प्लस बी कर सकते हैं, मतलब 23 प्लस 17
करेंगे 23 + 17 तो इसका आंसर डायरेक्टली 40 आ जाएगा। गाइस समझ में आया, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला का खेल है, जो हमने फॉर्मूला बनाया है बस उसमें आपको मान रखना है। ये शॉर्ट ही ट्रिक है और कोई भी शॉर्ट ट्रिक बेसिक से आती है तो हमने आपको बेसिक से सॉल्व करके बताया ये आपकी शॉर्ट ट्रिक का है आप या फिर ये आपके फॉर्मूला का है, लेकिन ये आपको बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठकर पूरे के पूरे सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होगी। इसलिए आपको टाइम सेव करना है, आपको टाइम बचाना है अपना, तो आपको इस तरीके के फॉर्मूले यूज़ करने होंगे, इस तरीके की ट्रिक आपको लगानी होंगी, माइंड में बिठानी होगी। ओके गाइज लास्ट क्वेश्चन देखिए, 86 + 64 का क्यूब प्लस 86 - 64 का होल क्यूब अपॉन 86² + 364² इज इक्वल टू वट। ये वाला अभी जो हमने देखा था, अभी हमने ये वाला जो फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से उसे सॉल्व करना है। ठीक है गाइज, इस वाले फॉर्मूले से उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सिर्फ इसमें इसका हमने बताया था ऊपर यदि प्लस होता तो 2a आएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बराबर में 2a आया और a इज इक्वल टू यहाँ पे 86 है, v इज इक्वल टू 64, a इज इक्वल टू 86, b इज इक्वल टू 86, तो डायरेक्ट 2a हुआ, तो 2a हुआ डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 86 इज इक्वल टू 172 a इसका आंसर हो गया। ओके गाइज मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करा के फिर से समझा दूँगी। और गाइज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।